अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और क्या उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो सोचती ये हूँ कि डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा मोबाइल हाथ में नहीं होता, बच्चों के पास होता है, बाज़ दफ़ा ख़ुद की मसरूफियात इतनी होती है कि व्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। आप लोगों को पता है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं, तो डेली व्लॉगिंग और डेली मोबाइल हाथ में लेके व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आज से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ और डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलें चलते हैं, टाइम हो रहा है 11 बजे का, और जो है ना अहमद जो है ना स्कूल गए हैं, और मैं जो है ना चाय पी के अपनी फ्री हो चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ, और सालन भी मेरा रेडी हो चुका है, और देखते हैं कि आगे करना क्या है। तो चलें चलते हैं। तो ये देखें जी, सारा जो है ना यहाँ पे फैला हुआ है। मासी आएगी और फिर वो जो है ना सफाई करेगी, तो मैं कर रही हूँ मासी का वेट। और सालन मेरा यहाँ हो चुका है रेडी। मैंने सोचा आप लोगों को बाहर का भी व्यू दिखा दूँ कि कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। आज मौसम जो है ना थोड़ा सा सही हो रहा है, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो हमने चटाइयाँ वगैरह लगाई हुई है। तो चले चलते हैं, मासी का वेट करें, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। A few hours later. तो नमाज वगैरह पढ़ के मैं फ्री हो चुकी हूँ, नाश्ता हम लोग कर चुके हैं। नाश्ते में रात में दाल बनाई थी, वही हम लोगों ने जो है ना पराठे बना के दाल हम लोगों ने फिनिश कर ली, और नाश्ते से फारिग हो गए। और अब मैं आई हूँ ऊपर, और अहमद आके स्कूल से सो गया था। ये देखें अहमद सो रहा, और पूरा जो है ना मेरा रूम जो है ना पूरा फैला हुआ है। तो अहमद को भी उठाऊंगी थोड़ी देर में, उसके बाद जो है ना क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि मुझे आज जाना है मार्केट समरा के लिए शर्ट देखने के लिए, क्योंकि आज रात में हमारा प्लान है बाहर जाने का। आज हम लोगों का सबका साथ डिनर है, और अहमद और अदीब की बर्थडे भी है, तो हम लोग बाहर जाएंगे, वहीं डिनर भी करेंगे। तो चलने चलते हैं, अभी जाऊँगी समरा की शर्ट लेके आऊँगी, क्योंकि समरा के पास जो है ना समरा की शर्ट लेनी है, और अहमद के तो नए ड्रेसेस रखे हुए हैं, समरा के भी रखे हुए, लेकिन समरा ने बोला मम्मा मुझे दूसरा ही शर्ट न्यू पहनूंगी मैं आज जाऊँगी। तो समरा के लेकर आने हैं शर्ट या अपर, सर्दी के हिसाब से कोई इस टाइप का। तो चलें चलते हैं, देखते हैं कि चैस जाऊँगी या तो फिर बसेरा जाऊँगी, जहाँ से मुनासिब लगा वहीं से लूँगी। तो चलें चलते हैं। 4 hours later. तो मार्केट से मैं आ गई थी, और समरा का ड्रेस भी ले लिया, अहमद की मैंने एक शर्ट ली है, और समरा की भी शर्ट ली है, पैंट समरा की बिल्कुल न्यू जीन्स रखी हुई थी, उसके साथ मैंने मैचिंग करके शर्ट ली है, हुडी टाइप की, मतलब हुडी बनाओ स्वेटर टाइप की ना। और अहमद के लिए जो है ना मैंने शर्ट ली है, और अपना मैंने ड्रेस मेरा बिल्कुल न्यू रखा हुआ था, तो मैंने बोला आज ही काम आ गया, आज ही पहनूंगी, बर्थडे के लिए रखा हुआ था। और चले चलते हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या बच्चों ने पहनना है। तो ये देखिए, ये जो है ना ये मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला है, ठीक है, और ये बच्चों के मैंने जो है ना कैप भी रख ली है, एहतियातन बैग में रखूंगी क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा सर्दी होने वाली है। और ये जो है ना ये देखें, समरा के लिए ये वाली शर्ट लाई थी मैं, बहुत खूबसूरत लग रही है ये शर्ट, और अंदर जो है ना इसके वो है, और इसकी ये वाली जो है ना जीन्स बिल्कुल न्यू रखी हुई थी, तो मैंने बोला यही वाली जीन्स तो वेयर कर लेना, ठीक है। और अहमद के लिए ये वाली मैं शर्ट लेके आई हूँ, तो मैंने बोला ये मुझे बिल्कुल बेहतर लग रही थी, और ब्लैक पैंट के साथ जो है ना अहमद के लिए वाली शर्ट लाई हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी। और जल्दी जल्दी से जो है ना हम लोग, थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो जाने से पहले थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही थी, तो मैंने बोला क्या खाया जाए, अगर खाना खा लेंगे तो वहाँ फिर खाना नहीं खाया जाएगा, तो मैंने बोला ये जो है ना ऑरेंज खा लेते हैं, जब तक ऑरेंज लेकर आई थी बाहर गई थी, तो ये बहुत मज़े के ऑरेंज, और साथ ऑरेंज के साथ साथ ये हम लोग खा रहे हैं मूली जी, मूली बहुत मज़े की इस सीजन में आ रही है। हम लोग क्या खा रहे हैं मान, मूली हम लोग मूली भी खा रहे हैं, साथ हम लोग और जो है ना ये ऑरेंज भी खा रहे हैं, ऑरेंज जो है ना बहुत मजेदार है और मीठे भी हैं, मीठे मीठे से, और ये हम लोग याले ऑरेंज वाले। और टाइम जो है ना आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा, टाइम क्या हो रहा है, 8:30 का, जी हाँ 8:30 हो चुके हैं, हम लोग 9:30 बजे तक बिल्कुल रेडी होके निकल जाएंगे। स्ट्रेटनर मैंने लगा लिया है, बस हल्के हल्के से बाल स्ट्रेट करूंगी, उसके बाद बस रेडी होंगे और निकलेंगे। जल्दी से ऑरेंज अपने फिनिश करते हैं, बच्चों को रेडी करूंगी, खुद रेडी होंगी, और जो है ना बस फिर निकल जाएंगे, ठीक है। और समरा तो खुद रेडी होती है, मुझे अहमद को सिर्फ रेडी करना पड़ता है, क्योंकि समरा बड़ी हो गई है माशाल्लाह, और अहमद भी काफी बड़े हो गए, तो अहमद को ये कि खुद तैयार करना पड़ता है, यूनिफॉर्म भी अहमद को खुद ही बड़ा हो गया,
लेकिन ये कि समरा जो है ना माशाल्लाह खुद ही रेडी होके सब कुछ और अहमद यहाँ बैठे हुए आईपैड देख रहे थे अपना, और जब तक मैंने बोला फ्री है जब तक आईपैड देख लो उसके बाद हम लोग रेडी जो है ना, और समरा यहाँ खा रही है कीनू। तो ये देखें जी, चले हम इसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो हम लोग निकल रहे हैं कबाब जी के लिए, रेडी हो गए और जैनब भी यहाँ रेडी हो गई है जी। अहमद आप मामा के साथ बैठना है, अहमद मामा के साथ बैठना, आ जाओ मामा के साथ, आ जाओ आ जाओ। केक का ऑर्डर मैंने इस बेकरी से दिया था डिलीजिया, तो मैंने कहा यहाँ से पिक कर लूँ, मैंने पहले बुकिंग करवा दी थी केक की। फाइनली पहुँच गए हैं कबाब की रेस्टोरेंट, और देखें पीछे मेरे केक, तो ये देखें हम लोग आ गए हैं, और यहाँ जो है ना ये स्टार्टिंग में दिखा। अहमद आओ जाओ, हाय ये हम ऊपर जा रहे हैं। ऐमान हाय, ऐमान तो ये हम लोगों ने ना सीट्स पहले ही रिजर्व करवा ली थी क्योंकि यहाँ वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम आ जाए हैं कबाब जी अहमद की, समरा की और अरीफ की बर्थडे करने, तो हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम केक कट करेंगे तो आपको दिखाएंगे, और बाकी मैं आपको सब दिखाती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन आया है। भाई हैं राज भाई, हाय कर दे। ये आयशा है हमारे साथ, आयशा बहुत क्यूट है, आयशा हाय करो। सवेरा ये है सिद्रा पी, ये इनको तो आप जानते होंगे, सबा व्लॉगर, सबा व्लॉगर। ये हमारी अम्मी है क्यूट सी। ये हमारी सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट है ये हमारी हिना भी। तो इनका प्लान था कि हम आए कबाब जी और सब मिलके एंजॉय करें। नहीं ऐसा तो चलता रहता है। निहाल बहुत चुप रहते हैं, हमारे घर में सबसे खामोश बच्चा सिर्फ निहाल है। अभी बाकी बच्चे नीचे खेल रहे हैं, तो आपको बाद में दिखाएंगे बाकी बच्चे, उनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी। ये देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, सर्दी भी बहुत हो रही है यहाँ पे। हम यहाँ खाने का वेट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर दे चुके हैं, तो आपसे मुलाकात होगी अब जब केक कटेगा। ये है अहमद जिनकी बर्थडे, ये है मरियम, ये है शाजैन, शाजैन हाय करो। ये है समरा, इनकी भी बर्थडे, और एक करीब में उनकी बर्थडे है, तीनों की बर्थडे आज। ये है शाजैन, हाय करो शाजैन। ये क्यूट से टेडी बेयर हैं जिनके साथ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, जब तक खाना आ रहा है हम लोग यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। ये हिना आप ही हैं, उमर भाई हैं, उमर भाई हाय करें। जैनब
प्लेलैंड बड़ों का भी वहाँ दिया हुआ और बहुत अच्छा व्यू बना हुआ है यहाँ का ना। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना हमारा आ चुका है तो चलें चलते हैं। स्टार्टिंग में जो है ना हमने फेशियल फ्राइज मंगवा ली थी बच्चों के। ये हमारे पास है तुर्किश कबाब, ये लो। ये लो भाई, चबाने दे रहा हूँ। ये लो भाई, ये लो। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मैंने दुपट्टा भी रैप कर दिया। प्रार्थना के तो तुमने प्रार्थना। Happy birthday, happy birthday to you. ये सम्राट की बर्थडे हो रही है। Happy birthday. यार ये बोला मैं की बर्थडे हो रही है। Happy birthday. Happy birthday आशा। Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. तरह से हम लोग फ्री हो चुके हैं, केक कटिंग हो चुका था, केक अब खा रहे हैं और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं और सब बैठे हुए हैं यहाँ पर।